अंग्रेजी बोलना सीखना शुरू करता है तो उसे कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है। उसे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ की बात समझ में आती है कि यदि मैं इंग्लिश बोलना सीख गया तो मैं तरक्की हो सकती, उसको ये बात अच्छे से समझ में आती है और इसी के चलते वो इंस्टीट्यूशन या कोई क्लास या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेता है। अब जब वो ज्वाइन कर लेता है तो फिर क्या होता है, शुरू शुरू में वो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत एक्साइटेड होता है जब इंग्लिश की जर्नी शुरू करता है या कोई भी नया कोर्स शुरू करता है, जैसे स्कूल में जाना शुरू करता है तो चिल्ड्रन आर वेरी वेरी एक्साइटेड, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, बैग लगाएंगे, ड्रेस तैयार करेंगे, अगले दिन की पूरी तैयारी, मम्मी मैं लंच में ये लेके जाऊंगा, ब्रेकफास्ट में ये खा के जाऊंगा, ये पूरी तैयारी होती है, एक्साइटमेंट लेवल वो बहुत हाई होता है। लेकिन जब वो उस काम को करना शुरू करता है तो धीरे 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 उसका एक्साइटमेंट लेवल लो होता है, लो होता है। दूसरी चीज है कि जो बच्चों का एक बताऊंगा कि जो सीरियसनेस है किसी भी चीज को लेकर, जो सीरियसनेस है वो कम हो जाती है, और जब सीरियसनेस कम होती है तो वो कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहता। किसी भी चीज को सीखने के लिए अपना खुद का बनाया हुआ डिसिप्लिन हम फॉलो कर सकते, किसी और का बनाया हुआ डिसिप्लिन हम फॉलो नहीं करेंगे, आज भी नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, परसों भी नहीं करेंगे। हाँ, जब आप किसी भी चीज को सीखना शुरू करते हैं तो उसका हर बार कुछ डिसिप्लिन होता है। यदि आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो उसका एक डिसिप्लिन होता है कि आपको साइकिल उठानी है, एक खाली समय चुनना है जिसमें कि सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं होंगे, ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, फिर आपको अपने आप से एक पैडल पे पैर रख के और दूसरी साइकिल पे सवारी करके सपोर्ट लेकर के शुरू में साइकिल चलानी होगी और फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही होगी। साइकिल जब आप शुरू शुरू में चलाना सीखते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती है, आप कई बार गिर जाते हैं, कई बार साइकिल की टक्कर हो जाती है, कई बार आपको चोट लग जाती है और कई बार तो आप बैलेंस खो देते हैं। ठीक ऐसे ही ज्यादातर बच्चे बहुत लंबे समय तक अपने सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन जैसे अंग्रेजी बोलने के लिए एक खास डिसिप्लिन है कि आपको कोई इंग्लिश बोलने वाला पार्टनर चाहिए, और ज्यादातर लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनके पास इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर नहीं होता। अब ये पार्टनर या तो ऑनलाइन ढूंढा जा सकता है या तो ऑफलाइन ढूंढा जा सकता है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हमारा जो अपना डेली लाइफ में जॉब्स के लिए वो हमें करनी पहली जरूरी है, जो डेली लाइफ जॉब्स है, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे वो अपना बिजनेस देखना हो, चाहे अपनी जॉब देखनी हो, हम जो आज कर रहे हैं उसके लिए तो काम करते हैं, जो हमारे साथ आज बुरा है जो जरूरी है वो तो करते हैं, लेकिन जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है उसके लिए हम समय निकालना बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा, जो चौथी चीज है वो है एंटरटेनमेंट। हम जीवन में हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर चीज, और ऐसा ही हम पढ़ाई के भी सोचते हैं, जबकि हकीकत ये है कि यदि आप पढ़ाई को ही एंजॉय करने लगे, आपको उसी में मजा आने लगेगा, तो अंग्रेजी बोलना सीखना या कंप्यूटर चलाना सीखना या मोबाइल रिपेयर करना सीखना
ये बेहद आसान हो सकता है यदि आप उसी में एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हो। तो आमतौर पर ये आपको समझना है कि ये चार स्टेप यदि आपने अच्छे से समझ ली और आपने इन बातों पर ध्यान रखा, मतलब डेली आपने इन्हें किसी एक चार्ट पे बनाया और अपने सामने लगा दिया, तो ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ये आपको रिमाइंड कराता रहेगा, ये आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आपका क्या गड़बड़ कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शंस हैं जीवन में, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। जैसे ही आप कुछ पढ़ाई की बात करते हैं तो कोई पार्टी की बात आ जाती है, कोई कुछ खरीदने की बात आ जाती है, मोबाइल पर कुछ देखने की बात आ जाती है। मोबाइल पर आप देखने के लिए तो जाते हैं कुछ और, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप देखने लग जाते हैं कुछ और। ये बड़ी प्रॉब्लम। अब सवाल ये भी है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर अंग्रेजी बोलना सीखने से क्या फायदा हो सकता है, राइट? तो मैं आपको इसके कुछ फायदे बताऊंगा। सबसे पहला फायदा ये कि आप आज जो जिंदगी जी रहे हैं, जो आपके स्कूलों में आपका स्कोर आ रहा था, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, जो आपका स्कोर है वो हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। जैसे जैसे इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती जाएगी, आज बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही क्यों जा रहे इंग्लिश मीडियम में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा कहीं ना कहीं बात समझते हैं कि यदि इसकी इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सुनना समझना अच्छा होगा तो फ्यूचर में इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दूसरी बात, स्कोर ही अच्छा नहीं हो जाएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इंग्लिश बोलने से आपका, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका घर में जब रहते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, घर वालों से जब आप बात करते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, लेकिन जैसे कि अजनबी लोग आपके सामने आते तो कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार तो आपको डर होता है कि ये जो बात करेगा वो हमें समझ में आएगी या नहीं। और किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तब आप जाते हो तो आपको डर लगता है कि कहीं इसने इंग्लिश में बात की तो, कहीं मुझे इंग्लिश में कुछ लिख कर देना पड़ गया तो क्या मुझे अपना सारा काम इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो ये जो डर है, यदि इंग्लिश आती है तो ये खत्म हो जाता, हमेशा के लिए खत्म। तीसरी चीज, जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो जॉब और करियर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाके रख देगा, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाकर रख देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप हिंदी बोलते हैं तो जॉब में पैसे भी कम मिलेंगे और रेस्पेक्ट भी कम मिलेगा, लेकिन यदि कहीं आपने अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख लिया तो जहां आपके पास 10 अपॉर्चुनिटी थी जॉब करने की, वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ के 500 हो गई। लेकिन हम आज में क्योंकि आज हमारा मजेदार होना चाहिए, कल की परवाह हमें नहीं, कल की परवाह हमें नहीं होती। यू नो, आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो 3-3 साल लगा करो, 2 साल में आपका 10+2 होता है, 2 साल में आपका 10th होता है और 3 साल में आपकी कॉलेज की डिग्री, 2 साल का BEd और 4 साल का BTech। लेकिन जब बात आती है अंग्रेजी सीखने की तो आप चाहते हो कि फटाफट से लिखाऊं, मैं एक वीडियो देख लूं, 2 वीडियो देख लूं और उसके बाद कोई एक्शन ना लूं। सोचिए, जब आप कोई कोर्स करते हैं, चाहे वो BTech का कोर्स हो चाहे वो BEd का कोर्स हो, तो आप क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, होमवर्क असाइनमेंट्स करते हैं, एग्जाम्स देते हैं और तभी आप BTech बन के तैयार हो, और वो भी 4 साल के बाद, वो भी 4 साल के बाद, राइट? तो अब
इंग्लिश को आप ये मानते हो कि मैं महीने भर में सीख जाऊंगा, 15 दिन में सीख जाऊं, कोई शॉर्टकट ढूंढ लू, सॉरी चौथी चीज है कि अंग्रेजी से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में कनेक्ट कर सकते, दोनों में कनेक्ट कर। आज बच्चे, मेरी बात होती रहती है अक्सर लोगों से, तो बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें ना तो धूप में कहीं जाना पड़ेगा और ऑनलाइन में खर्चा भी कम होगा, ऑनलाइन सस्ता है। जो कोर्स आप ऑफलाइन में करोगे 5,000 रुपए का, वो ऑनलाइन आपको 1,500 रुपए में करने को मिल जाएगा, क्योंकि जो फीचर्स हैं उनका भी ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा, उन्हें भी आपके लिए पंखे नहीं चलाने, उन्हें भी आपके बैठने के लिए बेंचेस की व्यवस्था नहीं करनी, उन्हें भी वो सब पार्किंग की व्यवस्था नहीं करनी, आपके लिए पानी की व्यवस्था नहीं करनी। और बच्चों के लिए तो ये सबसे बड़ी सुविधा है, आप चाहे कहीं भी हैं अपना मोबाइल फोन उठाइए और सीखना शुरू कर दीजिए। अब जब ऑनलाइन में बात आती है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन समझ में नहीं आऊंगा, या फेसबुक सारा ऑनलाइन है, व्हाट्सएप ऑनलाइन है, यूट्यूब ऑनलाइन है, मूवीज ऑनलाइन है, न्यूज ऑनलाइन है, टीवी सीरियल्स ऑनलाइन है, तो आप ये कह रहे हो कि मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आता तो फेसबुक भी समझ में नहीं आता, यूट्यूब भी मेरी समझ में नहीं आता, और सारे टीवी सीरियल्स और सारी मूवीज मेरे लिए बेकार है, 3 घंटे की फिल्म में तो समझ में नहीं आती, कैसी बात है। कोई भी काम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गई कर सकते हो, कनेक्ट टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से कनेक्ट होकर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हैदराबाद की कंपनी है और मुरादाबाद में बैठकर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए या अपने करियर को नई हाइट्स पे ले जाने के लिए आपको स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही पड़ेगा। तो देयर आर 5 मेन रीजंस, ये 5 बड़े कारण हैं जिनके लिए आपको अंग्रेजी बोलना सीखना ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप यहां आना कब फल कर दो, आपको कोई मेरा कॉलेज है, मेरा ट्यूशन है, मेरा स्कूल या